बिल्किस बानो को ही क्यों चुना गया बलात्कार के लिए? बिल्किस बानो को इसलिए चुना गया क्योंकि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है। बजरंग मुनि ने जिस तरह का बयान दिया कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करना चाहिए, यतीन अरसिद्धानंद हो गए, जो लगातार जो धर्म संसद जो करवाते हैं उसमें लगातार वो इस बात को बोलते हैं कि हिंदू जो मर्द है अगर उसे अपनी मर्दानगी दिखानी है तो उसने मुस्लिम महिलाओं को प्रेम के जाल में फंसाना चाहिए, उनका बलात्कार करना चाहिए। ऐसे काम अगर कोई करता है मुस्लिम के अगेंस्ट करता है तो उनको बीजेपी का पूरा सपोर्ट है, सामने सामने से वो दिख रहा है। डर कौन रहा है? आवाज़ उठाने से डर किसको लग रहा है? डर तो उनको लग रहा है आवाज़ उठने से। बिल्किस बानो की जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो बहुत मैटर करती है। वो मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाना है तो उनकी किसी समुदाय की जो महिला है उसका बलात्कार करना चाहिए। आपने सुना होगा कि दर्शगाहों से यूनिवर्सिटीज से इनकलाब आते हैं। आज उसकी ज़िंदा मिसाल दिल्ली में हर बार देखने को मिलती है। डीयू के कुछ छात्र हैं और उसके अलावा जेएनयू के छात्र होते हैं, वो लगातार कोई मुद्दा हो जिसमें धर्म की कभी कोई कैद नहीं देखी हमने, उन मुद्दों को लगातार उठाते हैं, मौका बमौका प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। और आज बिल्किस बानो के हक़ में वही आवाज़ मजबूती से छात्रों ने उठाई है और दिल्ली के जंतर मंतर पर उठाई है। सवाल ये है कि ये आवाज़ कितनी मजबूती से उठी है, क्या उतनी ही मजबूती से मंजिल तक पहुंचेगी, या फिर आवाज़ों को दबाने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और उनके ज़रिए आवाज़ें दबा दी जाएंगी। मेरे साथ छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ कि बिल्किस बानो को इंसाफ की जो 20 साल लड़ाई उन्होंने लड़ी उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम श्रेया है, मैं आईसा की मेंबर हूँ और डी यू की स्टूडेंट हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे इसी डिमांड के साथ कि 15 अगस्त को जिन 11 आरोपियों को गैंग रेप और मर्डर के जो आरोपी हैं उनको रिहा कर दिया गया, वो इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर एक काला धब्बा है। वो इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं और बिल्किस बानो जो है उनकी जो राइट टू जस्टिस है और राइट टू सेफ्टी है उस पर एक सीधा हमला है। और हमारे देश में हम जानते हैं कि हर 8 मिनट में देश में एक बलात्कार होता है, और इस देश की न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है, महिलाओं के प्रति कितना सेंसिटिव है, उससे हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो उन सारे चैलेंजेस और बैरियर्स को पार करके जब एक महिला एक लंबा संघर्ष लड़ती है और वो कोर्ट में जाती है, वो अपने ऊपर जो आपबीती है उसको बताती है और फिर उसमें उसको जीत भी हासिल होती है, उस पूरे प्रोसेस में बहुत समय लगता है। 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। 2002 में गुजरात में दंगे हुए, उसमें इतने सारे लोग मारे गए और महिलाओं का बलात्कार हुआ। तो इस डिसीजन ने जो 11 इन आरोपियों को छोड़ा गया है गैंग रेप और मर्डर के आरोपियों को, इस डिसीजन ने उस पूरे जो पूरा संघर्ष रहा है उस पर पानी फेर दिया है और देश की महिलाओं को एक मैसेज दिया है कि अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप दलित हैं और अगर आप महिला भी हैं तो आप इस देश का जो जुडिशरी है और देश की सरकार थी उससे किसी भी तरह का न्याय एक्सपेक्ट मत कीजिए। पहले आपके मुंह से मुस्लिम ही निकला, ऐसा क्यों? देखिए, जो लोग बार बार इसको सिर्फ एक महिला मुद्दा बनाना चाह रहे हैं उनको बहुत ज़रूरत है इस बात को समझने की कि यहाँ पे बिल्किस बानो की जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो बहुत मैटर करती है। वो क्यों मैटर करती है? 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो उस समय जो बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, जिनके घर जलाए गए, जिनको उनके घरों से भगाया गया, वो सब एक समुदाय के लोग थे, वो सब मुसलमान थे। और बिल्किस बानो को ही क्यों चुना गया बलात्कार के लिए? बिल्किस बानो को इसलिए चुना गया क्योंकि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है और जिन्होंने उसका बलात्कार किया उन्होंने अपने अपर कास्ट, अपनी हिंदू आइडेंटिटी का जो वर्चस्व है उसको साबित करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उसका बलात्कार किया। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर उनको मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाना है तो उनकी किसी समुदाय की जो महिला है उसका बलात्कार करना चाहिए। और ये कोई बहुत पुराना रेटोरिक नहीं है, आप अभी भी देख लीजिए ना, बजरंग मुनि ने जिस तरह का बयान दिया कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करना चाहिए, यतीन अरसिद्धानंद हो गए, जो लगातार जो धर्म संसद जो करवाते हैं उसमें लगातार वो इस बात को बोलते हैं कि हिंदू जो मर्द है अगर उसे अपनी मर्दानगी दिखानी है तो उसने मुस्लिम महिलाओं को प्रेम के जाल में फंसाना चाहिए, उनका बलात्कार करना चाहिए। तो ये आरएसएस का नैरेटिव है पूरा, क्योंकि उनकी जो किताब है मनुस्मृति उसमें ये लिखा हुआ है। ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ समझें इसको, पूरी साजिश? बिल्कुल, ये पूरी साजिश मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ और पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। और आप देखिए कि ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, अगर आप
देखें जब से मोदी सरकार आई है तो एक पूरा जो पैटर्न है आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो इस्लामोफोबिक नफरत फैलाते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, जो नॉन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जिनको आप बोल लीजिए सरकार का, उनको सरकार संरक्षण देती है। हमने कठुआ में देखा कि एक बच्ची का जब बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमने उन्नाव में देखा रमेश सिंह सेंगर जो है उसको बचाया गया, वो भी भाजपा के नेता थे, कुलदीप सिंह सेंगर उनको बचाया गया, वो भाजपा के नेता थे। वैसे ही आप इस केस में देखिए कि इन आरोपियों को रिहा करके सरकार यही बताना चाह रही है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलोगे तो तुमको हमारा संरक्षण प्राप्त होगा और हम तुमको एकदम खुली छूट देंगे। आपसे जल्दी से एक छोटी सी बात जानना चाहूँ, क्या ऐसा है आप इनकी बात से सहमत हैं कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति अगर जितनी नफरत फैलानी है या एक कम्युनिटी के प्रति जितनी नफरत फैलानी है उसके बाद एक बड़ा ओहदा, एक बड़ा पद आपको बीजेपी में मिल जाएगा, और ऐसा है तो क्यों? बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि एक तो सबसे पहले उन्होंने जैसे कहा कि 2002 में उनकी आइडेंटिटी की वजह से, मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उनके साथ रेप हुआ ही था, और वो भी 2008 में जाके उनको ये मिला था कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में उनको ये जस्टिस मिला था। लेकिन वो जस्टिस भी अब उनको जब 11 विक्टिम्स को जब दोषियों को जब निकाल दिया गया है तो वो तो जस्टिस तो हुआ ही नहीं उनके साथ। और ये भी गुजरात हाई कोर्ट में हुआ है जो कि बीजेपी के अंडर ही है, बीजेपी का रूल है वहाँ पे, और इस पर भी कोई बीजेपी का ये जो कमेटी जो बैठी थी जिन्होंने डिसाइड कराया उनको निकालने के लिए, उन्होंने बोला ही है कि वो ब्राह्मण है, अच्छे संस्कार के, इसलिए उनको निकाला गया है। तो ये बीजेपी की थिंकिंग ही ऐसी है, तो ज़रूर अगर वो ये ऐसे काम अगर कोई करता है मुस्लिम के अगेंस्ट करता है तो उनको बीजेपी का पूरा सपोर्ट है, सामने सामने से वो दिख रहा है। तो ये सड़क पर जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं आपको लगता है उससे कामयाबी मिलेगी? जल्दी से कामयाबी की बात नहीं होती है, बात यहाँ पे आवाज़ उठाने की होती है और लोगों को आगाह करने की होती है, लोगों को समझाने की ज़रूरत होती है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी मांग क्या है। तो इसलिए हम बस हम लोग इकट्ठा होकर बस आवाज़ उठाते हैं ताकि हर जगह हमारी बात पहुँचे। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सच बात है, और लड़ाई सड़क पे लड़ी जा रही है, ये सवाल ये नहीं है कि लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है, सच बात है कि लड़ाई हर जगह लड़ी जा रही है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस से लेकर अगर यहाँ पे वो लोग जो आ पाए हैं वो इसीलिए, हाँ सुप्रीम कोर्ट तक प्ली डालते हुए लड़ाई लड़ी जा रही है, कैंपसेस के अंदर लड़ी जा रही है, हम लगातार देख रहे हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, कैंपसेस में आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या रोल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रोल है कि वो कैंपसेस को एक ऐसी जगह बना दे जहाँ पे हम आप बात ना कर पाएँ, इस तरह की जगह जहाँ पे पढ़ाई के लिए आप भागते रहें, वहाँ से लड़ाई उठती है, लड़ाई जेएनयू से उठती है, फी हाइक के खिलाफ ये लड़ाई जामिया से उठती है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लोग हैं कि आप हमारी नागरिकता हमसे छीनेंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। बात ये आप कह रहे हैं कि सड़क से कामयाबी आएगी या नहीं आएगी, आप देखिए ना वाटर कैनन और पुलिस का, वो देखिए ना डर कौन रहा है, आवाज़ उठाने से डर किसको लग रहा है, डर तो उनको लग रहा है आवाज़ उठने से। शुक्रिया बातचीत करने के लिए आप लोगों का। कि ये छात्र थे जिन्होंने अपनी बात रखी है, मजबूती से रखी है, और इनका कहना है कि लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है ये तय नहीं करता, लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ी जा रही है ये जीत और हार का फैसला करता है। बजरंग मुनि ने जिस तरह का बयान दिया कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करना चाहिए, यती नरसिद्धानंद हो गए, जो लगातार जो धर्म संसद जो करवाते हैं उसमें लगातार वो इस बात को बोलते हैं कि हिंदू जो मर्द है अगर उसे अपनी मर्दानगी दिखानी है तो उसने मुस्लिम महिलाओं को प्रेम के जाल में फंसाना चाहिए, उनका बलात्कार करना चाहिए।